हाँ तो व्यूअर्स, पंजाब के एरिए में ये देखें गंदम की कटाई शुरू हो गई है और गंदम फुल तैयार है माशाल्लाह। ये देखें जी, अभी तकरीबन 6:30 हो रहे हैं सुबह के और यहाँ पर ये भाईजान गंदम को ये कटाई कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक ठाक जनाब। किधन की कटाई शुरू की थी? पंजवा दिन है माशाल्लाह। कितनी गंदम काटती थी? डेढ़ किलो। सही। ये ताड़ी खुद दी है या फिर तुसी? खुद दी। खुद दी है, सही हो गया। ते इस दफा अच्छी गंदम हुई है? बस ठीक ही है भाई, गुजारे लायक है। चलो माशाल्लाह, ये भी अच्छी गल है। और इनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि गंदम की कटाई कर रहे हैं। और ये पिछले 5 दिनों से लगातार गंदम की कटाई कर रहे हैं। मैं भी डेजर्ट की तरफ जा रहा था तो इनको देखा और इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। और वो सामने देखें जी, आर्मी का डाला आ रहा है, यानी कि ये अभी दूसरी चेक पोस्ट से आ रहा है। और बाकी ये देख लें जी, ये सारी सुबह से लेके अब तक इन्होंने ये काटी है। तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए इनको आए को। हाँ तो नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा चक्कर लगा है चोलिस्तान के अंदर। और ये देखें जी, इस जगह पर कुछ लोग रहायश मजीर हैं जिनके पास ये कुछ बैठे हैं और छोटे मोटे जानवर हैं जिनको ये पाल रहे हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो आबादी को चले गए हैं वापस। यहाँ पर पानी की सहूलत नहीं है, खुशहाली की वजह से वो यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं अपने गांव में। ये देखें, ये सुबह सुबह का टाइम है और कितने सुकून से ये बेड़े बैठी हुई हैं। और इस कुत्ते ने अभी फिनिश किया दूध। और ये जी इनका कमरा है, बिल्कुल कच्चा। और इसमें एक चारपाई है और जिनका जरूरत का सामान है। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਬਸ ਜਿੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
पानी पूनी तो वसैल कोई नहीं थे सही थे, पानी का मसाइल किस तरह हो गए थे? इतने जी, कुछ टूर शिवे लग जावे माल मूल जी में इतने पिया टोपा का पानी खत्म हो जाता ये है, कुंडा मार जावे, कुंडा मार जाओ पानी खत्म हो गया। कुंड तो मराद मतलब कुआं हाँ जी नहीं, खूह कुंडा वगैरह तो मान जी। पानी जमा हो जाता है, जब प्लेटा ते लग जावे पंपियां जी लग दिया सही थे, हुण तालाब च किन्ना क पानी है? कोई नहीं, पानी कोई नहीं खत्म जी हो गया पानी, है। ते बाहरों जा माल मवेशी कितों पींदा बस पानी? वो जी तू रेडियो सुना चार बारू जावे, बारू जा जाने हैं तो कदे बाडर तो नाडे जो पानी प्लेटा पुआन। आला लगा ना चौकियां अच्छा पे। यानी नाल ही बार्डर है, बार्डर ते चौकियां तो हाँ चौकियां पे सही होगा, सही उत्ते होगा। माल मवेशी नु तो आप पानी जरा पुआंदे कहना ने, नाल पानी लेंदे हैं। रोक दे नहीं आर्मी वाले? नहीं रोक ना जी कोई नहीं, मुड़वा आर्मी मुड़े वाले कत आंदा बंदे माल वाले आन आम तेन कोई सही। कन्वेना वास्ते जी वो जली कोती ना प्लेटा वाली रुपए नु माड़ी जी खाली अच्छा जी अच्छा बना उस पानी पीने पे। हुण आया तालाब जा तालाब तालाब ही खत्म नाल हो गया सफर भाई, पे खत्म। सही। ते हुण बारिश आएगी ते इत्थे पानी होएगा हाँ नहीं जी तो, आ इस गई तो जी, अलावा मोड़ 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 पानी सा काफी है। बारिश तो अलावा कोई इत्थे वसायल नहीं पानी दा। सही। ते ए हुकूमत नु करके देना चाहिए या तुसी खुद रल मिल के ते ट्यूबवैल वगैरह लगा सकदे हो? ता हुकूमत नु दिता जावे ये हुकूमत भाई की कर सकते है। और ये देखे जी चाहे इन्हीं बनाओ, ये हुकूमत भी दी तो कोशिश हो जावे तो बड़ी चंगी गल है पे, गरीब बंदे ना कोई माल आले खर्चे नहीं पूरे होंदे इत्थे। सही। हाँ भाई चाहते हो इस टाइम किन्ना के तड़े को माल में शिए गए थे? ते कितना है कोई 200 बेड़ है, 200-250 पेड़ थे, बाकी चारा चारा तो काफी होएगा 24 साल। चूरा ती में हूं गागू कोई नहीं है, सुके जड़ा ना माल मूल बार्डर तो जाता है अगे सही ते बस क्यों दे गुजारा कर दिया सही हो। जा भाई भाई और अंदर चल जैसी ना पी लो मैं। माशाल्लाह जी काफी बदल वगैरह ते आए हुए, अगर बारिश हाँ पै जी जावे बारिश पै जावे बारिश तो तो बड़ी मौत वाली। दुआवा मंगते हैं अल्लाह बड़ा फायदा हो जैसी माल आलां दे। सही हाँ मौसम तो बदला हुआ है। अभी जी ये भेड़े चरने के लिए जाएंगी 40 साल पे, और सारा दिन ये चरेंगी। अभी जी मैं भी इंटर ऑर्डर लगाऊँ इनके बाड़े के अंदर। ये देखे जी आ गए हो। ओ यार ये देखे जी आधे में कांटे लगे थे। ये देखिए छोटे छोटे बेबड़े शलकते प्यारे लग रहे हैं ये। और अभी जो छोटे मेमने हैं उनको नहीं निकाला जा रहा, जो बड़ी भेड़े हैं उनको निकाला जा रहा है। ये देखिए ना।
गिना जा रहा है कि कितनी भेड़े जा रही है 24 साल बच्चे के लिए। अभी जी दूसरी जानब 40 साल है और ये 40 साल में चरेगी जाके, और इन्होंने सारा दिन चरना है बस। और इन्होंने पानी पीने के लिए तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र भी तय करना है। तकरीबन इस साइड पर बॉर्डर है, अभी बॉर्डर पर भी जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि बॉर्डर पर किस तरह से बेटे चरती हैं और क्या माहौल होता है बॉर्डर का। हाँ तो नाज़रीन ये देखें, आर्मी के ऊँट चढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर हैं। ये देखें दूसरी तरफ तारें भी नज़र आ रही हैं और इंडिया का टावर भी नज़र आ रहा है। और अगर इस तरफ देखें तो ये पाकिस्तानी की एक चौकी बनी हुई है और ये इनके आर्मी के ऊँट हैं जिन पर ये परेड वगैरह करते हैं। और यहाँ गश्त करने के लिए ज़्यादातर ऊँट को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि डेजर्ट का इलाका है, यहाँ पर जीप वगैरह चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। बस सही, कितनी उम्र है ताड़ी? मेरी होसी 60-70 साल। 60-70 साल, माशाल्लाह। तां भी तुसी यंग पेज है 60-70 साल दे होके, ते की भेड़ा वगैरह चरा रहे हो चोलिस्तान दे विच? हां जी, भेड़ा। सही हो गया। ते इत्थे कोई तानू तंग नहीं करदे आर्मी वाले यार, कोई रेंजर वगैरह? बिल्कुल बॉर्डर दे उत्ते हो? बैठे मैं सड़ टोबे उत्ते रहे, इत्थे कोई दिक्कत कोई नहीं, हाथ सन तंग कर। सही हो गया। ਤੇ ਮਸਾਂ ਕੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਭਈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸੰਗਲੋਣ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੋ ਸ਼ੋ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਆਦਰ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛਾ ਪਿੱਛਾ ਸਭ ਕਿਸ਼ਨ ਫਿਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤਾਰਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਤਾਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਇੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ? ये देखें, ये सामने ही है बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਗਏ ਹੋ ਇਧਰੋਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਇਓ? ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੜਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕਰੋ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਅਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੌਕ ਨੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਬੜੀਆਂ ਬੁਰਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡੇ ਉੱਡੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਚਲੋ ਕਾਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਚਰਾਉਣਾ ਹੈ ਛੋਦੇ ਪੀਛਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ? ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਠੰਡ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਆਵਾ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਛੱਡੋ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ? ਕੋਈ ਹੈ 200 ਭੇੜ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ। 200? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੈਸੇ? ਪਾਲ ਦੁੱਧ ਬੁੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀਆਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਕੋਈ ਹਿੰਨ, ਕੋਈ 8-9 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੰਗਰੀ।
ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਹਨ ਦੋ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ चरने के लिए ये भी जाएगी चोलीसान पे चढ़ने के लिए। ये देखे सामने इनके कच्चे घर हैं और काफी खूबसूरत हैं वो देखें। खुश्क हो चुका है, ज़रा भी पानी नहीं है, एक बूंद भी पानी की नहीं है यहाँ पर। और जैसे ही बारिश आएगी तो इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा और तकरीबन इनके जो जानवर हैं साल 6 माह तकरीबन इसी तालाब से पानी पीते हैं और तकरीबन इनके 3-4 मंथ हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजरते हैं जो कि अभी जा रहे हैं। जैसे ही बारिश होगी तो ये चोलिस्तान हरा भरा हो जाएगा। नाज़रीन अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो भेड़ों के जो बाल उतारे जा रहे हैं ये देखें, इनकी जो ऊन है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसकी वजह से जानवरों को गर्मी लगती है, इसलिए वो उतार रहे हैं अभी। आ रहे हैं अपने भाई, अभी गेम खेलते आ रहे हैं, ये जा रहे हैं ना।
बता रहे हैं, ये मेरे चैनल का नाम पूछ रहे हैं और इन्होंने एक कापी पेंसिल दी है मुझे, कह रहे हैं कि अपने चैनल का नाम इस पर लिख दो, तो हम बाद में देखेंगे अपनी वीडियो। तो अभी इनको जी लिख के देते हैं नाम। किराया भी लगता है शाम तक लक दर्द हो जाता बंदे का। बाहर आ गए थले सौंदा बेचारा, मजदूरी देख लो 25 रुपये है। मुल्तान फिर वेचते ने अगे, फिर जाते मिलां च तागे बनते ने इन्हां दे, उन्हां दे कपड़े बनते ने। हां जी, उन्हां दे फिर कपड़े ते शामिल होंदी कोई साह दा जिहड़ा होंदा है, लोग लै जाते हैं जी। कोई जिवें कोई क्रीन बन जांदा है, कोई कोटियां बन जांदियां, जे सर्दी च कोटियां आंदियां ने कोई ना होंगे जी। Yeah.